इस भर्ती में आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर पाएंगे, इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे द इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी की ओर से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे ज्वाइन इंडियन नेवी यानी कि नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आधार कार्ड से करना चाहते हैं, विदाउट आधार कार्ड से आपको आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विदाउट आधार कार्ड से आपको आवेदन करके दिखाऊँगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है इनमें से आपके पास कोई भी आईडी है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं के सर्टिफिकेट से भी आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 12वीं और 10वीं का रोल नंबर फिल करना होगा। कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नया आएगा, सेव पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आएगा फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आवेदन आपको किस प्रकार फिल करना है उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे नौसेना की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इंडियन नेवी की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारतीय किसी भी स्टेट से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और इस भर्ती में सबसे बड़ी बात होगी बिना किसी परीक्षा और बिना किसी फिजिकल टेस्ट के यहाँ पर भर्ती होने वाली है, यानी कि लिखित परीक्षा आपकी इस भर्ती में नहीं होगी। आपको जो अपना आवेदन फिल करना है केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर इस भर्ती के स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है, कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिल करना होगा, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसको यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको उस ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो उस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अप्लाई मोड जो होगा केवल और केवल आपको ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर 1,70,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस होगा बिल्कुल फ्री होगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ आपकी इस भर्ती में नहीं होगी, यानी कि रनिंग टेस्ट आपका इस भर्ती में नहीं रहेगा। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तब आप इन्हें कोई और आईडी दे दीजिए, उससे भी आप यहाँ पर इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन फिल कर पाएंगे। यानी कि आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट से भी इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन फिल कर पाएंगे। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि फॉर्म की छटनी की जाएगी। जिन भी डॉक्यूमेंट से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अगर वो सही बिल्कुल डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर इस नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद से आपका SSB इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर रहेगा। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 29 जुलाई 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा। अगर आप आधार कार्ड से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना होगा। अगर आपने आधार कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तभी आप आधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि OTP आपके पास आएगा, वो आपको यहाँ पर वैलिडेट
सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद से आप यहाँ पर इस भर्ती का आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। नहीं तो आप विदाउट आधार कार्ड से आवेदन कीजिए, वो सिंपल तरीका रहेगा। उनमें से आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, इनमें कोई भी अगर आपके पास आईडी है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी हाउ टू फिल वीडियो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाए किस प्रकार से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना होगा। इस भर्ती का एज लिमिट जो रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, दो अगर आपकी एज 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आती है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जून 2021 तक की जाएगी, और आपको यहाँ पर एज में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी। यानी जो SST वालों को 5 की छूट मिलती है, OBC वालों को 3 की छूट मिलती है, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। आपको जो टोटल वैकेंसी दी गई 45 वैकेंसी दी गई, टोटल जो पोस्ट नेम होगा SSC ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, यानी कि IT ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती को ऑफिसर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वेबसाइट का, आपको वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफिसर नोटिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिसर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे द इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी के आप ऑफिसर वेबसाइट पर है। आपको यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया, अगर आपने BE, BTech 20-60% अंकों के साथ की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी आपको यहाँ पर कहने की बात है बताई गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।